warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, दोस्तों, अजीज़ों, अल्लाह ताला ने दावत के काम में मुझे चलाया, लगाया. एक अरसा गुज़र चुका है. सन 2000 में मुझे ख़्याल आया कि एक कोई ऐसा अरबी मदरसा हो जिसमें तालीम अरबी में दी जाए. अल्लाह ने सन 2000 में मुझे इसकी तौफीक बख्शी और मैंने फैसलाबाद में मदरसतुल हसनैन के नाम से एक मदरसा की बुनियाद रखी. अल्लाह ने उसे कबूलियत बख्शी और वो 10 शाखों में तब्दील हो गया और उन तमाम में हमारे अपने शागिर्द पढ़ा रहे हैं और अरबी सारी उसमें ज़ुबान है और अरबी में असबाक होते हैं. तो दोस्त अहबाब के तआवुन से ये सारा सिलसिला चल रहा था. पिछले साल, बल्कि उससे पिछले साल, जब ये कोरोना की लहर चली और कारोबार ठप हो गए, तो मदारिस तो साथियों के तआवुन से चलते थे. तो मैंने मदारिस बंद कर दिए और ऑनलाइन असबाक शुरू किए और मुझे ये परेशानी हुई कि लोगों के कारोबार तो ठप हो गए हैं. हमारे मदारिस लोगों के तआवुन से, ज़कात से, खैरात से चलते हैं. तो अब मैं किस मुंह से इनसे कहूँ कि ज़कात दो, जबकि वो ख़ुद इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं. और मेरे मदरसे में कोई चंदा मांगने का मुस्तकिल निज़ाम कोई नहीं था और ना अब है. सिर्फ मैं अकेला अपने दोस्तों को फ़ोन करके और उनसे तआवुन की अपील कर देता था, वो कर देते थे. लेकिन जब कोरोना ने सबको मुतासर किया तो मैंने कहा क्या मैंने किसी से चंदा नहीं मांगना. फिर मुझे ख्याल आया कि ये निज़ाम चलेगा कैसे. तो सन 2000 से मेरे दिल में आता था कि या अल्लाह कोई ऐसा सिलसिला बना दे कि ये कम से कम जो मेरे पास मदारिस हैं ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं. तो या अल्लाह कोई ऐसी शक्ल बना दे कि ज़कात खर्च ना हो, ज़कात के बग़ैर मदरसा चले. तो कोई शक्ल सामने थी, कोई नहीं. तो जब ये कोरोना आया तो अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि हम कोई कारोबार करें जिसकी कमाई को हम मदारिस पर लगाएं. तो मेरी भी यही नीयत बनी कि कोई ऐसा कारोबार हो. तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, चंद दोस्तों ने मिलकर इसकी कोशिश की और सुहेल मोटन साहब ने इसमें बहुत किरदार अदा किया कि उन्होंने हमारे साथ तआवुन के लिए हाथ बढ़ाया. तो हमने मेरे नाम का ब्रांड MTJ के नाम से लॉन्च करने की मतलब नीयत की, इरादा किया. यहीं इसी कमरे में ये मेरे घर का लाउंज है, तो उसमें उन्होंने आकर हमारे साथ मुआहदा किया. अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे. अब मैं कोई कारोबार इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पैसे बनाऊँ. मैंने सारी ज़िंदगी पैसा नहीं बनाया. अल्लाह ताला ने अपने घर से ही अल्लाह के फजल से दिया हुआ था. तो कोई कारोबार ही तो हमारा जहन ही नहीं है, हम ज़िम्मेदार लोग हैं. मैंने ज़िम्मेदार भी जब से तबलीग में लगा हूँ तो 1984 में बस एक दफ़ा मैंने कपास काश करवाई थी, उसके बाद सारी ज़िंदगी तबलीग में लगी.
अब मेरा इस ब्रांड से कोई ये इरादा नहीं है कि मैं कारोबार करूं, बल्कि इसकी कमाई को हमारी फाउंडेशन है उसमें लगाऊं MTJ के नाम से, और हमारे बड़े अजायम हैं उसमें आगे बढ़ने के। अल्लाह हमें उसकी तौफीक दे कि हम एक बहुत अच्छा हस्पताल बनाएं, अच्छा स्कूल बनाएं। स्कूल तो माशाल्लाह बन चुका है और चंद अब थोड़ी चीज़ें उसकी बाकी हैं, और उस पर भी करोड़ों के हिसाब से खर्च आया है। और तुलंबे जैसे पसमानदा जगह में वो स्कूल बहुत खूबसूरत इमारत है। तो चूंकि हमारे बर्रे सगीर में उलमा का कारोबार करना या तिजारत करना ऐब समझा जाता है, ये पता नहीं कहाँ से बात आ गई। हालांकि इमाम अबू हनीफा जिनके हम फतावा को मानते हैं, उनसे बड़ा ताजर कपड़े का कोई नहीं था उनके ज़माने में। तो ये मौलवी का तसव्वुर है कि वो भीख मांगता है और वो लोगों से मांगता है। तो मेरे भाइयों, मैंने ये बात इसलिए की है कि हमने किसी कारोबारी नियत से ये काम नहीं किया, किसी के मुकाबले में ये काम नहीं किया, सिर्फ ये कि इससे अल्लाह करे कम से कम मेरे मदारिस अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, और मेरे दुनिया से जाने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहे। तो मैं आप सब से दुआ की अपील करता हूँ कि दुआ फरमाएं, अल्लाह हमारे इस काम में बरकत दे। और जो अल्लाह ने मेरी नियत रखी है कि मैं ये फाउंडेशन है, स्कूल है, मदरसा है, ये अपने पाँव पर खड़े होकर चलें ताकि सदका जारिया मेरे जाने के बाद भी रहे, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।